हेलो एवरीवन, दिस इज़ फहाद फ्रॉम फर्नीचर बाज़ार। आजकल हमने देखा है काफ़ी लोग अपने बिज़नेस को लेके काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं, क्योंकि काफ़ी टफ टाइम तो खैर बिज़नेस के लिए है ही, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ पॉइंट्स अगर हम उसको इम्प्रूव करें तो इंशाल्लाह बिज़नेस काफ़ी डेवलप हो सकता है, बिज़नेस के साथ साथ आपको भी डेवलपमेंट हो सकता है। क्यों, मैंने देखा कि ख़राब बिज़नेस के चलते कई लोग जो हैं, कोई बीपी का शिकार है, कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई अपने घर वालों पे गुस्सा निकाल रहा, कोई आत्महत्या कर रहा, कोई मायूस हुआ जा रहा। तो पहली चीज़ जो हमें सीखनी है कि है अपनी लाइफ में कि मायूस ना हो, सैड ना हो। जी, ये जो लाइफ का सर्कल है ऐसे ही चलता रहेगा। जो भी आपकी एज हो, सोचिए आपके आप अपनी माँ के पेट से निकल के आए, कोई वहाँ साथ ना देने वाला था, ना को आपको कोई अकल थी, तब भी आप इस दुनिया में आए। फिर आप बड़े हुए, आपने एजुकेशन हासिल करी, कभी कभी आपको एग्ज़ाम टफ लगता था, वो टाइम निकल के आ गया, तो ये टाइम भी आपका निकल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने चेहरे पर स्माइल रखें, इत्मीनान रखें, ऊपर वाले पर भरोसा रखें, सब सही होगा। दूसरा, अपने बिजनेस की एक टाइमिंग बनाइए। टाइमिंग इन द सेंस कि अगर 10 बजे खुलने का टाइम है तो 9 बजे तक है तो उसी में काम कीजिए। ये ना करें कि पैसे के पीछे भाग रहे। ज़िंदगी जो आजकल ह्यूमंस की रह गई 60 से 70 साल रिसर्च है, उससे ज़्यादा तो आजकल लोग जल्दी ही चले जा रहे हैं, इतनी सारी टेंशनों में रहते। तो पहले तो अपने बिजनेस का एक टाइम बनाइए, एक वीक ऑफ लीजिए, जैसे आपका स्कूल होता था। अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, बाकी लोगों को टाइम दीजिए। कोई आपको परेशानी है तो उससे लोगों को डिस्कस कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ बोलने से बहुत सारी बातों का सोल्यूशन निकल आता है। बिज़नेस की टाइमिंग्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि 10 बजे आपका कोई भी टाइम हो, 9 बजे का जाने का टाइम हो, तो उसी को फॉलो कीजिए, एक वीक ऑफ लीजिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तीसरा जो मैं कहूँगा, जो आजकल मैंने बिज़नेस में देखा है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और मोबाइल में लग जाते सुबह से ही, तो मोबाइल का यूज़ कोशिश कीजिए, पबजी हो गया या जो मोबाइल पे वीडियोस देखते हैं, ये सब फिजूलियात का जो टाइम मोबाइल पे स्पेंड करते हैं उसको कट ऑफ कीजिए। स्क्रीन टाइम अपना बहुत ज़्यादा बिजनेस में रिड्यूस कीजिए। एक हैबिट बनाइए, जैसे हमारे बड़े लोग आते थे बिजनेस में, पहले बैठते थे, अगर रिलीजियस होते थे थोड़ा, कोई कुछ कर रहा, कोई अगरबत्ती जला रहा, तो जो अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ है बिजनेस में, जो सुबह आके लोग अमन करते थे, आपके एंसेस्टर्स को आपने देखा होगा, अपने बड़ों को, तो उस चीज़ को फॉलो कीजिए। जैसे मुस्लिम को अक्सर आपने देखा होगा सुबह आके कुरान पढ़ते थे, हिंदू आके पूजा पाठ करते थे, उस वैल्यू को अपने अंदर वापस लाइए। क्यों, क्योंकि हम लोग रिलीजियस है, हमारा कल्चर जो है वो हमें अब कहीं ना कहीं लेके चलना होगा, काफ़ी हद तक कि वो बेनिफिशियल भी होता है, एक होप भी देता है, मायूसी से आपको दूर ले जाता है। हाँ, ईश्वर है, ये सब ठीक कर देगा, ईश्वर ही पे तो हम सबका भरोसा है, वही एक अल्टीमेट गोल है। पैसा तो नेग्लिजिबल है, आज है कल नहीं है, सेहत आज है नहीं है, लेकिन ईश्वर तो हमेशा है ना, आत्मा के साथ भी ईश्वर रहेगा, तो उस पर भरोसा जगाए रखने के लिए हम लोगों को उससे जुड़े रहना चाहिए। दूसरा, रिकॉर्ड कीपिंग की हैबिट बनाइए। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड सेल्स होती ही नहीं है। जैसे कि पर्टिकुलर मंथ्स होते हैं कि हमने देखा है भाई दिसंबर में सेल हो जाएगी, जनवरी में आ जाएगी, जनवरी से 15 से 20 की सेल हो आएगी, 21 से 9 तक वो सेल आएगी जो बाकी मंथ्स की सेल में नहीं होती। तो टैली पर डाटा बनाइए। मार्केट का तो इतने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए, उस पर अपना डाटा जाके बनाइए और अपनी सेल्स को कंपेयर कीजिए, कहीं ना कहीं वो भी आपको मेंटल बहुत ज़्यादा सुकून देगा। और रिकॉर्ड कीपिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है। कई लोग सिर्फ इसलिए लॉस में होते कि डबल पेमेंट कर दी, प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग की आदत नहीं है। एक कहावत है, पहले लिख फिर पढ़ फिर लिख, यानी कि दो बार पढ़ो ताकि गलत ना लिखा हो और उस चीज़ को प्रॉपर वे में वो करो। मैं अभी कुछ भूल रहा हूँ इसमें, मैं याद कर लूँगा। और फिर अरे क्या कहते हैं, दूसरी चीज़, किसी के भी बारे में अपने किसी दूसरे सहपाठी कॉम्पिटिटर्स, आज के बिजनेस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव डिस्कस मत कीजिए, अरे वो काम में ये करा। आप क्या करें इस पर फोकस रखें। कोई कुछ कर रहा हो, आप 100 रुपये मीटर कपड़ा बेच रहे हो, 10 रुपये बेचना तो उसका क्या, आपको उसमें नहीं आता, आपकी वो क्वालिटी नहीं, भाई मेरा ये है। बहुत ज़्यादा किसी को समझाने में मत जाइए। तीसरा, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ के चक्कर में बहुत लोग परेशान रहते हैं कि ये रिव्यू नहीं दे रहे, वो रिव्यू नहीं दे रहे, या ऐसा रिव्यू नहीं आ रहा। तो जो गूगल रिव्यूज़ हैं, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा कोई आपकी किस्मत लेके नहीं आएगा दुनिया में।
ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस न करिए, आप अपनी क्वालिटी रखिए। माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आज भी सबसे अच्छी है, आप कहीं भी बैठो अगर आप काम अच्छा कर रहे तो ग्राहक इंशाल्लाह आपके आएगा। दूसरी बात जो चीज़ों को करना है कि आप अपनी दुकान पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की बात ना करें, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दिन भर लोग पॉलिटिक्स में ही लगे रहते, काम की जगह काम करिए, थोड़ा हंसी मजाक के साथ काम कीजिए, बहुत ज़्यादा गुस्साइए नहीं, चेहरे पे मुस्कान के साथ काम कीजिए। दूसरा जो अनवांटेड EMIs है कि आज की ईजी लोन्स मिल जाते हैं बिजनेस, इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। जब आप रिकॉर्ड कीपिंग में जाएंगे और आप जब सेल्स में देखेंगे नहीं भाई मेरी सेल्स इतनी ही है, और तब आप इससे बच भी जाएंगे, प्लस जो आसानी से लोन्स मिल जाते उससे थोड़ा बच कर रहे। कई बार क्या होता है लोग इतने लोन चढ़ा देते हैं कि उनका रहना या बिजनेस में बैठना ही दूभर हो जाता है। क्रेडिट भी इसी ले लिया, हज़ारों आजकल EMIs का इतना आसान रास्ता हो गया कि तुरंत मोबाइल पर पैसा मिल जाता। 30,000 की जगह मैंने एक बिजनेस में उनको देखा 90,000 उसने दिए, उसका बैठना उन लोगों ने दुश्वार कर लिया। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचिए, और रिकॉर्ड कीपिंग में जब आप जाएंगे ना तो इंशाल्लाह ये सब चीज़ें बच जाएगी, क्योंकि आपको थोड़ा पेमेंट का अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ चलो मई में इस तारीख को इतनी पेमेंट आएगी। तो लगभग आप देखेंगे जो आपकी सेल है वो बेटर रहेगी और आप अनवांटेड खर्चों से बच जाएंगे। जैसे कि जो मैंने देखा 1 तारीख को सेल नहीं आती तो 4 तारीख को आती, क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी 4 को आती है, फिर 14 को इंडिया में सेल आती, फिर 21 को सेल आती है। ये थोड़ा ड्यूरेशन है कि सब किसी को मिड में एडवांस मिल जाता तो लोग पैसा निकालते। इवन जब गेहूं के बेचने का टाइम होता है, मैं लखनऊ में तो उस टाइम बहुत ज़्यादा सेल आ जाती है कि भाई लोग गेहूं भी जो बेचने आते हैं वो फिर आते हैं शॉपिंग करते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पर आप फोकस कीजिए और कुछ अपनी तरफ से भी राय दीजिए। रिकॉर्ड कीपिंग लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, खुशी खुशी चेहरे पे मुस्कान रख के काम कीजिए, बहुत ज़्यादा किसी को बारे में बुरा मत बोलिए, तो इंशाल्लाह आपकी भी ग्रोथ होगी और बिजनेस की भी ग्रोथ होगी। तो 5 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क आवर्स को रेगुलराइज करना है, यानी कि 10 से 9 जो भी आपका वर्किंग आवर है उसको रेगुलराइज करना है। 1 दिन हफ्ते में छुट्टी लेनी है। तीसरा थोड़ा रिलीजियस एस्पेक्ट को अपने कल्चर को बिजनेस से लगा के रखना है। तीसरा रिकॉर्ड कीपिंग रखनी है, ताकि रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होगी GST फाइलिंग वगैरह में भी दिक्कत आएगी, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। 5th किसी भी दूसरे दुकानदार की बिजनेसमैन की बुराई नहीं करनी है। तीसरी जो है चेहरे पर मुस्कान रखनी है। 7th कोई भी अनवांटेड लोन्स या EMIs नहीं लेनी है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।